बरेली में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो मुसलमानों के मसाइल से दूरी बनाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हमने मुसलमानों को से अपील की है कि वो नोटा का बटन दबा करके अपनी नाराजगी का इजहार करें। आंवला से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री आबिद अली और बदायूं से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मुस्लिम खां को समर्थन देने का ऐलान किया है। पूरे 5 साल कहीं भी किसी मुस्लिम इशू पर वो बोलते हुए नजर नहीं आए, मुसलमानों के साथ खड़े होते हुए नजर नहीं आए। इसलिए मुसलमानों से हम अपील कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का बहिष्कार करें। उलमाए कराम की बैठक हुई और मीटिंग करके 3 लोकसभा के ताल्लुक से फैसला किया गया। बरेली में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो मुसलमानों के मसाइल से दूरी बनाए हुए हैं। बिशपुरी के मुसलमानों पर बिल्डोजर चलाया गया, वो कहीं नहीं दिखे। पुराने शहर में मुहर्रम के जुलूस को रोका गया, वो कहीं नहीं दिखे। नन्हे शामिया मजार इज्जत नगर में नोटिस दिया गया डिमोलिशन के लिए, वो कहीं नहीं दिखे। इसलिए यहाँ पर हमने मुसलमानों को से अपील की है कि वो नोटा का बटन दबा करके अपनी नाराजगी का इजहार करें। आंवला लोकसभा और बदायूं लोकसभा में 2 मुसलमान कद्दावर और प्रभावशाली प्रत्याशी हैं और वो ऐसे प्रत्याशी हैं जो बीजेपी को हराने में सक्षम हैं। इसलिए आंवला से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री आबिद अली और बदायूं से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मुस्लिम खां को समर्थन देने का ऐलान किया है और वहां भी हम हजारों मुसलमानों से हम ये अपील कर रहे हैं कि इन 2 मुसलमानों को जिताएं ताकि मुस्लिम क़यादत डेवलप हो और ये मुसलमान जीत करके पार्लियामेंट में जाएं और वहां मुसलमानों की वह आवाज़ बने और वो मुसलमानों के हक और हुकूक और अधिकारों की बात करें। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी मुसलमानों के वोटों की तिजारत कर रहे हैं और वो उनको मुसलमानों की दाढ़ी टोपी से नफरत है। सपा के जो सभाएं हो रही हैं वहाँ स्टेज से मुसलमानों को उतारा जा रहा है और उनको जलील और रुस्वा किया जा रहा है और पूरे 5 साल कहीं भी किसी मुस्लिम इशू पर वो बोलते हुए नजर नहीं आए, मुसलमानों के साथ खड़े होते हुए नजर नहीं आए। इसलिए मुसलमानों से हम अपील कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का